बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी, और दुबई लीग्स का पहला झटका एक आम शख्सियत को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। दो जजों के खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही है। ये जज कौन है, रेफरेंस कौन लेकर आएगा, इन जजों के आपको नाम बताएंगे, इस पर बात करेंगे। एक और अहम खबर है जो कि बड़ी तश्वीशनाक है, वो किर्गिस्तान के दारुलहुकूमत बिश्केक से मौसूल हो रही है, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी तुलबा को वहाँ के मुकामी तुलबा ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, हॉस्टल्स में घुल कर हमले किए हैं और कई पाकिस्तानी इसमें ज़ख्मी और जाम भाग होने की इतलात हैं। हज़ारों तुलबा किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनकी तफसील आपको बताएंगे। अदलिया और इदारों के दरमियान जो महाजराई की एक कैफियत है, उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की तैयारी की जा रही है। और इमरान खान का एक बड़ा अहम केस जो है वो अदालत में समाअत के लिए लग गया है। उनकी मुबैन तौर पर नाजायज़ बेटी टेरियन वाइट का केस है जो कि इस्लामाबाद कोर्ट में जेर समाअत रहा है। इस केस के हवाले से पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ये केस एक बार फिर अदालत में लगना बहुत से सवाल को जन्म दे रहा है, और इमरान खान क्या इसी हवाले से परेशान है, और उनकी परेशानी कल एहतसाब अदालत के सामने समाअत के दौरान भी नज़र आई। कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो खबर जिसकी पूरे पाकिस्तान में तशवीश है, किर्गिस्तान के दारुलहुकूमत बिश्केक में क्या हुआ और वहाँ पे हालात क्या है। किर्गिस्तान में तकरीबन 12,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है। किर्गिस्तान में मेडिकल की तालीम पाकिस्तान की नस्बत काफ़ी सस्ती है, और मेयार के हिसाब से पाकिस्तान से बेहतर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर MBBS की डिग्री जो है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से कम पैसों में हासिल की जा सकती है। तो एक तो वजह ये है कि हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो किर्गिस्तान में क्यों ज़ेर तालीम हैं, तो उसकी वजह सस्ती तालीम का होना है। अब दूसरा मामला ये कि वहाँ पर कल रात को मुकामी तुलबा और कुछ मिस्री और अरब तुलबा में आपस में झड़प हो गई, और जिसका नतीजा ये निकला कि मिस्र के जो तुलबा थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुकामी तुलबा को मार भगाया। मार खाने वाले तुलबा ने जाकर शोर मचा दिया और दीगर लोगों को इकट्ठा किया। मुकामी तुलबा और मुकामी अफराद से मिलकर तमाम जो गैर मुल्की हैं उनके हॉस्टल पर हमलावर हुए। लड़कों को हॉस्टल से निकाल कर शद्दत का निशाना बनाया गया और लड़कियों के हॉस्टल में भी घुसकर उन्हें हरासा किया गया। तो सारी रात तोड़फोड़ और मारधाड़ की इतलात आती रहीं, और ये अफवाहें या इतलात जेर गर्दिश रहीं कि बहुत से पाकिस्तानी तुलबा इसमें जाँ बहक हो गए, और ये इतलात सिर्फ सोशल मीडिया पर दस्तयाब है, इन्हें कन्फर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें बताया गया है कि किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी तुलबा है उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद जान की बाजी हार गए हैं या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वलीद है, हम यहाँ किर्गिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कल रात एक तनाज़ा हुआ था जिसके अंदर चंद किर्गिज लोग यहाँ के लोकल किसी एक हॉस्टल में गए थे जहाँ पे मिस्री और इजिप्शियंस रहते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से आज तमाम किर्गिस्तान के लोग झजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स हमारी रहायशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। अभी तक हमें जितना पता चला है कि 6 बच्चों को कत्ल कर दिया गया और मुतद्दद जख्मी कर दिए गए जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। जिन तुलबा को हॉस्टल में घुसकर निशाना बनाया गया उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्री और दीगर गैर मुल्की शामिल है, तो पाकिस्तानी इसमें सर फहरिस्त है। लोगों को हॉस्टल से बाहर निकाल कर सड़क पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की इतलात है, और कुछ जरा ये कन्फर्म करें कि बांग्लादेश के स्टूडेंट भी इस वाक़े में जामक हुए। तो ये तुलबा ग्रोहों के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो कि अमूमन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में या दुनिया भर में कहीं भी जहाँ स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे इन में आपस में लड़ाई हो जाती, कहीं पे मुसल्ला होकर लड़ाई होती है, कहीं पे गैर मुसल्ला भी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूथ जो है उसका खून ज़रा गर्म होता है। तो इसी तरह के मंजर बिश्केक में भी हमें नज़र आए, लेकिन वहाँ पर चूँकि दयारे गैर है, लोग पाकिस्तान से पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उनके वालदैन ने उन्हें पैसे खर्च करके बैरून मुल्क तालीम के लिए भेजा है, तो वो बहुत परेशान और बहुत ही यानी गैर मुतमईन है। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें तुलबा ये अपील कर रहे हैं कि उनकी जान बचाई जाए, उन्हें निकाला जाए, और रात को ये मामला शुरू हुआ और सुबह तक इसमें बहुत सारी
डेवलपमेंट हो गई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया है और तुलबा और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके दरमियान कनेक्टिविटी का इंतज़ाम भी किया है। और ये भी इतला थी ये है कि पुलिस और वहाँ की जो मुकामी आर्मी है उसने हालात को कंट्रोल कर लिया, लेकिन स्टूडेंट्स से ये कहा जा रहा है कि वो बाहर ना निकलें, वो मुकामी बसों पे सफ़र ना करें, वो मुकामी अफराद के साथ यानी इंटरेक्शन ना करें, आमने सामने ना हो। तो ये हालात जो है कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। और अभी यहाँ तक ये हलाक शुदगान का या मारे जाने की इतलात है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। स्टूडेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल हाथ में है, तो फौरी तौर पर अपनी कैफियत के बारे में लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या वीडियोस अपलोड करके इतला दे रहे हैं कि उन्हें बाहर के हालात का इल्म नहीं क्योंकि वो अपने कमरों तक मुकैद हैं। लेकिन बाहर जो हालात हैं वो मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी कंट्रोल उन्हें कर लिया गया है, लेकिन लोकल शिदत पसंद जत्थों की जानब से हमलों के बाद यकीनी तौर पर खौफ का माहौल है। जो 12-13 हज़ार स्टूडेंट बश्केक में है वो तो खौफज़दा है ही, लेकिन जो पाकिस्तान में उनके पेरेंट्स अजीज़ो कारब हैं उन्होंने भी रात आंखों में जाकर गुजारी, वो भी शदीद परेशान है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है। तो किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हसन अली जैगम वो एक्टिव हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी किया है कि तुलबा हालात मामूल पर आने तक अपने घरों में रहें। और पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि हम मुकामी कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ राब्तों में हैं, तुलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। एक नंबर भी उन्होंने जारी किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के सफीर है वहाँ पर, कि एमरजेंसी में तुलबा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर है 9965075677667। मैं नंबर फिर दोहरा देता हूँ, 9965075677667। सरकारी ज़राए हैं वो किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म की फ़िलहाल हलाकत की तस्दीक नहीं कर रहे, और उनका कहना ये कि तुलबा पर तशद्दुद किया गया डंडों से, लातों मुक्को घोंसों से, लेकिन किसी की जान इसमें जाने की इतला नहीं है। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है वो किसी और वाक़े से मुतल्लिक है। बाज़ तुलबा ने यह भी बताया कि इससे पहले भी जो मुकामी तुलबा है उनके अंदर गैर मुल्कियों के हवाले से कोई अच्छे जज्बात नहीं पाए जा रहे, और ये एक कंसिस्टेंट किस्म का एक रिएक्शन है जो मुकामी लोगों के यहाँ पाया जाता है, और वो समझते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं उनके हकूक गसब कर रहे हैं। पिछले दिनों दुबई लीक्स आई थी, उन लीक्स में बहुत से हम लोगों का नाम आया था और एक बड़ी अहम शख्सियत का भी उसमें नाम आया। आज उनको उनके अहदे से हटा दिया गया है। ये आईजी आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजक हैं, इनको इनके अहदे से हटा दिया गया है। इनकी जगह पर एफआईए में तैनात ग्रेड 20 के अफसर अब्दुल जब्बार को आईजी आज़ाद कश्मीर तैनात कर दिया गया है। ये अब्दुल जब्बार से पहले डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद जोन में थे, उनकी जगह पर डीआईजी ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी इन्हें लगा दिया गया। तो सुहेल हबीब का नाम दुबई लीक्स में आया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी दुबई में अरबों रुपये मालियत की प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी लीक्स अभी आई थी सामने, इनमें भी इनका नाम था। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में 1100 अफराद की फहरिस्त जमा कराई गई थी जस्टिस साकिब निसार के दौर में, उसमें भी इनका नाम था, और इन्होंने उसमें भी अपनी पूरी यानी ये डिटेल जमा कराई थी कि वो कीमती जायदादों के मालिक हैं क्योंकि उनका बिजनेस है, और उन्होंने उसको ऑन रिकॉर्ड रखा। वो कहते हैं कि मैं यूएनओ में या कहीं और जॉब करता रहा हूं। तो उस दौरान जो है उनकी जो तनख्वाह थी उस ज़माने में वो $10,000 वो बताते हैं। उसके बाद उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदी। वैसे दुबई में प्रॉपर्टी जो की ख़रीदो फरोख्त है वो हालिया 2-3-4 सालों में ही सामने आई है। इससे पहले दुबई में तो प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त ही नहीं होती थी। तो बहरहाल ये एक अहम जो है वो डेवलपमेंट है कि ये पहला विकेट है जो कि दुबई लीग्स के हवाले से गिरा है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और वो डेवलपमेंट ये कि अदलिया और हुकूमत और इदारों के दरमियान जो एक महाजराई का माहौल बन चुका है, जिसमें बड़ा तासर ये कि इस वक्त अदलिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन है, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी उनको उतना ही टफ टाइम दे रही है, और एस्टेब्लिशमेंट से करीबी लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इस सिलसिले में कल एक केस की समाअत भी हुई और दो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं।
اور سپریم کورٹ کے فاضل جج اطہر من اللہ صاحب دوران سماعت اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ہائی ٹینشن کا اس وقت ماحول ہے، اور لگتا ہے یوں ہے کہ حالات بہت ہی خرابی کی جانب جا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ تو اداروں کے درمیان جو محاذرائی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے پاکستان کی اکنامک جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان جو معاشی انحطاط بحران کا شکار ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی بڑی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ ابھی حکومت نے فلوٹ کی ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ ہے اس کو آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حکومت کے جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہے رانا صلی اللہ صاحب، انہوں نے کل کسی انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ حکومت اس بات کے اوپر غور کر رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کو بیچ میں ڈال کے یہ جو اداروں کی محاذرائی ہے اس میں اس کو ختم کرائے، کیونکہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو رانا صلی اللہ کا کہنا کہ یہ جو محاذرائی کا قصوروار کوئی ایک نہیں ہے، سیاستدان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ تینوں اس کے قصوروار ہیں۔ اب وزیراعظم جو ہے وہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے صدر مملکت کو ایڈوائس بھیجنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی سرکاری طور پر حکومت یہ درخواست کرے گی صدر سے کہ وہ اس تنازع کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو رانا ثناء اللہ نے اس تجویز کو اب مارکیٹ کر دی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ عدلیہ کے جو باس ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آذربائیجان جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے آلریڈی سپریم کونسل کو خط لکھا ہوا، یہ جو جوڈیشل کونسل ہوتی ہے، اور اس کیس کی سپریم کورٹ میں باقاعدہ 2 سماعتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا یہ لڑائی جاری رہے گی، اور اسی طرح ادارے اور پولیٹیشنس اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ آن رہیں گے۔ تو حکومت جو ہے اس معاملے میں اب ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی تجویز ہے، اس کو انڈوز کرنا چاہیے، اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے کہیں بھی ان کی بیٹھ کر بات کرا دی جاتی ہے، معاملہ سارٹ آؤٹ کرا دیا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے حوالے سے اپنے رویے پر نظر ثانی کرتی ہے، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذرائی ہے وہ اس محاذرائی سے کہیں آگے نکل گئی ہے جو کہ عدلیہ اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان پائی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ تجویز ہے، لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ ایک فریق اگر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا فریق پیچھے ہٹنے کے بجائے 2 قدم آگے بڑھ کے حملہ کرتا ہے۔ اب تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ 2 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے علی بھوشا بی بی کو جس طریقے سے اڈیالہ جیل میں 5 روز میں 2 سزائیں سنائی گئیں، اس پر وہ جج ابو الاسناد اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ تو خان صاحب کو بڑی جلدی یاد آیا کہ ان کی اہلیہ کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، اور پچھلے کوئی 24 سے 48 گھنٹوں میں خان صاحب نے اپنی ایک عدلیہ کے حوالے سے جو پلان ہے اس کو تبدیل کیا ہے، اور اب وہ عدالتوں سے یہ درخواست کرے کہ ان کے مقدمات کا ٹرائل جو ہے وہ نارمل انداز میں چلایا جائے، اس کو سپیڈی نہ رکھا جائے۔ کل ان کی اہلیہ نے بھی احتساب عدالت کے سامنے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ بہت تیز ٹرائل چلا رہے ہیں، دھڑ دھڑ تاریخیں دے رہے ہیں اور ہمارے مقدمات کو نپٹا رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے، پینک پھیلا ہوا ہے۔ تو سزائیں تو ان کو آلریڈی ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ باقی کے مقدمات میں بھی جلد سے جلد سزائیں سنا کر جو پہلے مقدمات ہیں ان میں ملنے والے ریلیف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ یعنی خیال یہ کہ جو پہلے سزائیں ہیں القادر میں، عدت کیس میں، سائفر میں، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے، لیکن ساتھ ہی کچھ اور مقدمات ہیں جو بہت تیزی سے یعنی ان کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو پہلے مقدمات میں اگر ضمانت مل بھی جاتی ہے تو کچھ اور مقدمات میں اگر سزا ہو گئی تو وہ جو ریلیف ہے وہ نہیں مل سکے گا۔ تو یہ ہے سب سے بڑا اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین کا پرابلم، کہ وہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، سلو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کل ویسے تو بڑے پریشان تھے عدالت کے اندر، تقریباً وہ ان کی اہلیہ نے خاصی
वहाँ पे हुल्लड़बाजी की और वो कहते हैं ना पंजाबी चपेड़ा पहन नहीं रह गया सी वरना सारे काम हो गए से। अब इमरान खान साहब के मीडिया में बात करने पे पाबंदी है, इसके बावजूद उनकी गुफ्तगू जो है वो मंजर आम पर आती है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में भी केस जो है बड़ी रफ्तार के साथ चलाया जा रहा है, जबकि दीगर सियासतदानों का मुकदमा जो कि इन अदालतों में जेर इल्तवा है उन पर लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। तो इमरान खान कहते हैं मेरे केस ज़रा जल्दी निपटाए जा रहे हैं और बाकियों के तारीखें जो है वो लंबी लंबी दी जा रही। तो खान साहब को तो हर बात पर सहूलत मुयसर है, प्रायोरिटी दी जाती है। उन्हें जेल में अगर जिम दिया गया है, उन्हें रेफ्रिजरेटर दिया गया है, सेमी एयर कंडीशन दिया गया है और बेशुमार सहूलियात दी गई हैं। ये तो मुकदमात में भी फिर उनको प्रायोरिटी देना बनता है, तो इसलिए उनके मुकदमात की तारीखें जल्द से जल्द दी जा रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे केसेस जो हैं वो एक हफ्ते में तीन तीन चार चार पेशियाँ लग रही हैं, तो हम चाहते हैं कि नॉर्मल अंदाज में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी कहा इमरान खान ने कि वो आर्मी चीफ को एक खत लिखने वाले हैं और उस खत में वो क्या लिखेंगे उसकी उन्होंने कोई आउटकम आउटलाइन बता दी। वो कहते हैं मैं अपनी ज़ात के लिए खत नहीं लिख रहा, मैंने वकला को हदायत कर दी है कि वो खत ऐसा लिखे कि जिसमें पूरे मुल्क के हालात का तस्करा हो, खासकर आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। अब आज़ाद कश्मीर का मामला तो वैसे सेटल हो गया है, खास तौर थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। तो ये इमरान खान साहब को मुझे लगता है कि आईना देखने की ज़रूरत है, फ़ौज और आवाम को आमने सामने किसी और ने नहीं किया, ये पाकिस्तान के अंदर अगर पिछले दो तीन चार सालों में हुआ है तो इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को आवाम के सामने ना सिर्फ रुसवा किया बल्कि उनको डिसक्रेडिट करने की कोशिश की है और फ़ौज के अंदर बगावत तक कराने तक वो चले गए थे। 9 मई सबके सामने है या किस तरह खान साहब तैयारी करते थे। तो आज भी आप किसी तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर से बात करें तो वो आपको वो फ़ौज के बारे में कोई अच्छे जज्बात का इजहार करता हुआ नहीं मिलेगा। तो फ़ौज और आवाम को आमने सामने कौन कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब इसका इल्ज़ाम अगर आर्मी चीफ पर लगाने की कोशिश करें तो ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। फौज एक इदारा है और उसका जो जो भी हाजिर सर्विस बॉस होता है वो अकॉर्डिंगली उसी के तहत चलता है और वो अकेला तमाम फैसलों का मालिक नहीं होता। कोर कमांडर की बड़ी तादाद मौजूद है लेकिन फिर भी ये तसव्वुर है हमारे यहाँ कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी ज़ात में अंजुमन होता है और बड़ी ताकत रखता है। तो इस अहदे को सबसे पहले इमरान खान साहब ने खुद डैमेज किया। अगर बात सिर्फ जनरल आसिफ मुनीर की होती तो चले ये समझा जा सकता था कि उनके साथ कोई पर्सनल वेंडेटा है, लेकिन जो काम उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ किया वही काम वो आज के आर्मी चीफ के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप अपनी बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम भी एस्टेब्लिशमेंट पे लगाएंगे तो फिर आपके लोग फौज को गालियां नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? तो ये जो पाकिस्तान के अंदर सबसे जो बुरा काम हो रहा है ना, इदारों को गालियां दिलवाने का काम, वो इमरान खान साहब ने कहते हैं ना बदरजाए उत्तम अंजाम दिया, ना सिर्फ अदलिया को बल्कि फौज दोनों को। क्या आज जस्टिस काजी फैसा का नाम एहतराम से लिया जाता है या उनकी इज्जत की जाती है या उनके फैसलों को जैसे देखा जाता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट? लेकिन वेदर यू लाइक इट और नॉट ये तो कभी नहीं हुआ कि सारे फैसले आपके हक में आए। लेकिन इमरान खान साहब की जमात ने कल ही एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को इंतहाई मुतसब और पता नहीं क्या कुछ करार दिया है और वजह के बनी जी कि आपने इमरान खान को बोलने नहीं दिया। चीफ जस्टिस को गालियां देने का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हुआ है और उसको कोई रोकता नहीं है। तो अब ये जो खत है वो दरअसल इमरान खान साहब को लिखवा कर खुद पढ़ना चाहिए और खुद गौर करना चाहिए कि क्या मैं फौज और आवाम को तो नहीं लड़ा रहा। तो ये इमरान खान के खत की आउटलाइन है, असल चीज़ें तरला ही है ना। तो खान साहब और क्या क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं पंजाबी साढ़ा तरला ही जे, तो वो तरले मिलते लेफ्ट राइट किस ना किस तरीके से वो चीफ जस्टिस के साथ भी अपनी मामलात को बेहतर करना चाहते हैं और आर्मी चीफ के साथ भी करना चाहते हैं, दोनों के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। वो एक मिसाल सुनिए ना, आकड़ डैश डैश दी ते लेस लसूड़े दी, आकड़ डैश डैश दी। तो ये उनका हाल है, वो अभी भी अपनी जो अना है उसके हिसार से बाहर नहीं आ रहे। अब इमरान खान साहब की पिछले दो तीन दिनों से किसी से मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि जेल की सिक्योरिटी के पेश नज़र चेकिंग का मामला चल रहा था। तो कल जो है वो उनके बहुत ही इस वक्त जो करीब है दो तीन लोग उनमें से एक शिबली फराज है वो पहुंचे उनके पास, उनकी मुलाकात हुई। शिबली फराज बेचारा जाके रो पड़ा और आठ आठ आंसू रोया और उसने कहा मुझे बड़ी गालियां पड़ रही हैं।
और कौन गालियां दे रहा है, उन्होंने कहा जी पार्टी के लोग मेरे मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि शिवली फराज जब से वहां से आए ना, यानी रूपोशी की जिंदगी गुजार के आए हैं, ये भागे हुए थे, इनमें मुकदमात थे, इन्होंने कभी जेल का सामना नहीं किया ना मुकदमात का ट्रायल इन्होंने भुगता है। ये जब से 9 मई का मामला हुआ था, ये ऐसे गायब हुए थे जैसे गधे के सर से सींग। और फिर उन हालात में जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने पार्टी को जिंदा रखा और इतना जिंदा रखा कि वो इलेक्शन भी डोमिनेट कर गई, वो लोग जो है पार्टी से साइडलाइन हो गए हैं, उनको बुरा भला कहा जाता है। जिनमें सबसे ज़्यादा जो काबिले जिक्र आदमी है वो शेर अफजल मरवत है। तो शिवली फराज का ये कारनामा उनको भारी पड़ गया, क्योंकि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, असद कैसर, शानदाना गुलजार और बहुत से लोग जो है वो अब शिवली फराज को ग्रिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शिवली फराज ने शानदाना गुलजार की शिकायत लगाई है, और उन्होंने कहा कि ये शानदाना गुलजार जो है ये मेरे खिलाफ़ बहुत बैशिंग कर रही है और मुझे स्नब कर रही है और मेरे खिलाफ़ महाज बना रखा है। इस तरह शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, बहुत से लोगों के नाम लिए गए। तो कुछ सेनेटर्स इस मुलाकात में शामिल थे, जिनमें आजम स्वाति भी मौजूद थे। आजम स्वाति ने भी इससे पहले शिकायत लगाई और वो आपको पता पार्टी की कोर कमेटी से अलग हो चुके हैं। तो पार्टी के इतने मसाइल थे कि इमरान खान जो है वो यानी फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे शिकायतें मत लगाएं, ये क्या मेरे पास शिकायतें को हम बाहर लेकर आ जाते हैं, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है और मुझे सब मालूमात मिल रही है, मुझे पता है किसने कुर्बानियाँ दी हैं, कौन किससे मिला हुआ है। और फिर शिवली फराज से कहा कि वो शिकायत की बजाय पार्टी के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर काम करें। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर शानदाना गुलजार को मुलाकात के लिए कॉल अप कर लिया और कहा कि मेरी उनसे मुलाकात करें, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो शिमली फराज ने मुलाकात के बाद, वो कहते हैं ना, वो शिकायत लेकर गए थे डॉक्टर शानदाना गुलजार की, और इमरान खान ने डॉक्टर शानदाना गुलजार को फेवर कर दिया और उन्हें अपने पास बुला लिया। तो लगता है कि शिमली फराज जो है वो अब पार्टी में इमरान खान उनसे तंग आ गए हैं और वो उनकी शिकायत पर भी तवज्जो देने के लिए तैयार हैं। तो पार्टी के अंदर बड़ी सूरत हाल ख़राब है। तो खास साहब की टेंशन समय में आती है, उनके खिलाफ एक बड़ा केस जो है वो टेरियान केस है, इस्लाम राय कोर्ट में ये केस जेरे समात रहा। इस पर कई समातें हुई, चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने इसकी समात की थी, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहर, ये 3 जज थे जिन्होंने इससे पहले इस केस की समात की थी। और इस केस के हवाले से फैसला आने से कबल ही 2 जजों ने अपनी राय जो है वो सोशल मीडिया पर या जो इस्लाम राय कोर्ट की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी थी, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। अब ये दोबारा मामला जो है वो जेरे समात लाने के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो इस्लाम राय कोर्ट ने टेरियन केस की समात के लिए तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ पर एक मुश्तमल लार्जर बेंच बना दिया है। तारिक महमूद जहांगीरी इसको हेड करेंगे, ये वही तारिक महमूद जहांगीरी है जिन्होंने ख़त लिखा था कि इदारे उनके अख्तियारात में मुदाखलत करते हैं, और शायद ये वो जज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए थे या इनकी रहाइशगाह से कैमरे बरामद हुए थे। तो बहरहाल ये वो केस है, और इसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक ने ख़ुद को बेंच से अलहदा कर लिया है, और ये एक उनका बड़ा पन है चीफ जस्टिस आमिर फारूक का, कि उन्होंने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ख़ुद को इस बेंच से अलहदा कर लिया। इससे पहले वो इस बेंच में हिस्सा थे, और मोहसिन अख्तर कियानी को भी इस बेंच से अलहदा कर दिया गया। तो अब ये नया बेंच है जो कि इस केस की समाअत करेगा। तो चीफ जस्टिस ने जो पिछला फैसला था वो उनके दस्तखत के बगैर जारी करने पर इंक्वायरी का ऑर्डर कर रखा था, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इख्तलाफात का एक बड़ा सबब बना था वो ये केस था। हाई कोर्ट के कुछ जजों ने फिर एक अपना ग्रुप बना लिया, और उन्हीं जजों ने फिर जो जुडिशल काउंसिल है उसको एक खत में लिख दिया। तो ये मामला है इमरान खान साहब की मुबैया तौर पर एक बेटी टेरियन वाइट का, जो कि सीता वाइट नामी एक खातून के वतन से पैदा हुई, और ये इतलात यानी ज़ुबान ज़द आम थी, और कैलिफोर्निया की एक अदालत ने इस पर फैसला भी दिया और कहा गया कि ये जो बच्ची है टेरिन वाइट, ये इमरान खान की बेटी है। तो ये वो केसेस है इमरान खान साहब की नाअहली के लिए
जो दायर दरख्वास्तें थी उनमें ये कहा गया था कि इमरान खान ने मुबैना तौर पर अपनी इस बेटी का जिक्र नहीं किया जो कि उनकी फैमिली के साथ ही रहती है। तो उन्होंने तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।